तो गाइस आज हम क्या खेल रहे हैं तुमको टाइटल थंबनेल देख के पता चल गया होगा एंड मुझे पता है तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो एंड मैं भी एंड प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो होगी WWE 2K20 की क्योंकि 8 तारीख या मैक्सिमम 11 तारीख को हमको मिल जाएगी WWE 2K22 जिसको हम ट्राई करेंगे फर्स्ट इंडिया स्ट्रीम करें सबसे पहले तुम्हारी तरफ लाएँ गेम प्ले तो देखते हैं वरना वीडियो तो आएगी एटलीस्ट सुबह सुबह जब ही लॉन्च होता है तो भी देखते हैं। आज हम खेल रहे हैं चैंपियन वर्सेस चैंपियन रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट रेसलमेनिया अभी जो होने वाला है 38 है ना आई गेस। हाँ तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थिंक परफेक्ट है और ये रोमन रेंस का अटायर अभी मैंने मतलब गेम में जो डिफॉल्ट है ना वो कर दिया है तो इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन मैं ब्रॉक लेसनर का भी वो डिफॉल्ट कर दिया क्योंकि तुम लोग को अच्छा नहीं लगा था वो कुछ बोल रहे थे अजीब सा लग रहा है कार्टून जैसा ब्रॉक लेसनर तो मैंने दोनों का गेम वाले लिए लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने एडिट किया हुआ है तो ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप जो जीतेगा दोनों चैंपियनशिप उसकी भाई तो टाइटल दोनों भाई मज़ा आ जाएगा जीत के अपन रोमन रेंस से खेल रहे तुम लोगों को बताइए एंड तीन फिनिशर वाला स्टिपुलेशन है ही तो ब्रॉक लेसनर आते हुए लाइक कर देना 300 लाइक से गोल है तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो बेल आइकन के साथ भाई मज़ा आने वाला मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए तुमको दिख ही रहा होगा खेलने में भी रियल में भी देखने में एंड 2K22 में भी ये खेलेंगे और मज़ा आएगा। ये लास्ट वीडियो है 2K20 की यही सब लोग बाकी पता नहीं मोस्टली लास्ट ही होगी भाई मज़ा आने वाला यार लेट्स गो। और ब्रॉक लेसनर को हराना वो भी रेसलमेनिया में वो भी ड्यूअल टाइटल चैंपियनशिप मैच जो भी है मज़ा आ जाएगा ड्यूअल टाइटल ठीक है ड्यूअल चैंपियनशिप मैच ओ भाई या फिर डबल टाइटल बोल सकता है मैंने दोनों मिक्स कर दिया ठीक है कोई नहीं एक्साइटमेंट में होता है। और ये एरिना गेम के अंदर डिफॉल्ट एक रेसलमेनिया का एक क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा एरिना दिया हुआ था रेसलमेनिया 2029 लिखा है मतलब आज से 7 साल बाद का लेकिन कोई नहीं हम इसको 38 का मान रहे थोड़ा थीम सेम है ब्लू ब्लू कलर है तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं चलो लेट्स गो। पॉल हेमन है रोमन रेंस के साथ पहले ही स्पीयर दिस इज रोमन रेंस फॉर यू क्या जीतेंगे लगता तो नहीं है नहीं जीते एंड सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ बोला क्या मैंने नहीं बोला तो कर दो भाई वैसे तुम करते नहीं हो मैंने देखा अभी भी 60% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बस वीडियो देखते हो ऐसे मत करो यार सब्सक्राइब करो तुम्हारे लिए एक नॉर्मल सी बात है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ हम एक और स्पीयर देते हैं इधर जब 3 FI पढ़ना शुरू हो गए तब लग जाएगी पता है भाई 2 स्पीयर ठीक है फिर से किक आउट गजब तीसरा स्पीयर कमिंग टुवर्ड्स द वे दैट्स व्हाई 3 फिनिशर स्टिपुलेशन तुम लोग को पसंद है मेरे को भी बहुत तो ब्रॉक लेसनर के बस इसमें वो बियर्ड नहीं है क्या पता रेसलमेनिया तक सच में शेव भी कर ले रियल में भी भाई रिवर्स कर दिया क्योंकि वो तुमको अजीब लग रहा था ना अगर तुमको देखना है मैं क्या बोल रहा हूँ तो लास्ट WWE की वीडियो देखो पता चल जाएगा तुमको उसमें आई थिंक ब्रॉक लेसनर था ना हाँ तुमने कमेंट मैंने देखे थे क्योंकि मैं कमेंट देखता हूँ तो इससे ज़्यादा कमेंट भी कर देना वीडियो को मतलब मैच को आउट ऑफ 7 रेट कर देना लास्ट में एंड बढ़िया सा कुछ कमेंट भी कर सकते हो यार कौन सा बेस्ट मोमेंट लगा भाई FI रिवर्स किया क्या नहीं नहीं हाँ सिग्नेचर तो रिवर्स किया आई गेस मैंने पता नहीं सुप्लेक्स सिटी रिवर्स किया चलो नायगरा ड्राइवर ओके अरे इसमें गुलेटिन चोक नहीं होगा लेकिन चलो कोई नहीं ओ भाई ब्रॉक लेसनर को ऐसे रियल में भी नहीं दे पाएंगे चोक चलो बहुत बढ़िया और मैंने सोचा सब कुछ डिफॉल्ट रखूंगा शायद गेम भी क्रैश ना हो जो हो रहा है यूजुअली मैच के एंड में तो मैंने इसलिए सब डिफॉल्ट भी रखा है रिवर्स किया मैंने हुआ नहीं भाई गजब 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 वैसे ही चोक मैं ज्यादा देता भी नहीं आई लाइक स्पीयर लेट्स गो ब्रॉक लेसनर वैसे ही चोक से नहीं आने वाला है ये मेरी प्रेडिक्शन है नॉट अ स्पॉइलर बाकी पता नहीं क्या पता इस बार रोमन हार जाए बहुत कम चांसेस हैं मतलब वैसे दोनों जगह के चांसेस कम वैसे तो ले भाई सुपर वन बाउंस चल ब्रॉक खत्म हो जा दे हमारे 2 टाइटल नहीं अबे यार 2 स्पीयर और तुम लोग ये गिन के बताना कितनी फिनिशर्स दी और मैंने कितनी खाई ठीक है और सिग्नेचर्स भी अभी हमने 2 फिनिशर 1 स्पीयर दिया आई गेस 3 फिनिशर 1 स्पीयर 3 स्पीयर 1 सुपर अनबंच हाँ मैं क्या बोला पहले भी ब्रॉक लेसनर किक आउट शाम तक करेंगे इनकी ओ ऐसा बोल रहा हूँ ठीक है पॉल तो बैठा रहे अभी वो देगा मेरे को 3 FI देने जाएगा तब तेरे को आने का बीच में वापस रिवर्स मैंने सुना 2K22 खेलने में बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं चेंज हो गए हैं थोड़े रियलिस्टिक हो गया और भी
मजा आएगा यार, आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड। तुम कितना एक्साइटेड हो 2K22 के लिए वो ही बताओ। और आवाज़ आई थिंक थोड़ी ज़्यादा गेम क्या परफेक्ट है, पता नहीं परफेक्ट है, ठीक है। और फुल रोस्टर रिवील हो गया है 2K22 का, अगर तुमने नहीं देखा देख, मैं जो उस पर वीडियो बना दूँ, मतलब कोई नहीं यार, क्या ही फर्क पड़ता है, वो अब गेम आ ही रहा है, तुमको स्टार्टिंग में दिखा देंगे यार। ले भाई बीस्ट मोड समोन ड्रॉप खा, चल हो गया, स्वाद आ गया बीस्ट मोड। भाई ब्रॉक लेसनर को पूरा पीटा है अभी तक मैंने, ठीक है। और इसमें भी अपनी डिफिकल्टी वही है, मोर देन लेजेंड, इसमें लेजेंड हाईएस्ट है, उससे भी ज़्यादा मैंने एआई को सब फुल दे रखा है, एंड मेरा फिनिशर का डैमेज भी कम कर रखा है मैंने, वो भी जीरो एक्सट्रीम मैंने कर रखी है डिफिकल्टीज दोनों। लास्ट वीडियो 2K20 के में पूरा डोमिनेशन क्या, बस इसलिए थोड़ी इजी हो गई, मैं बहुत खेल चुका हूँ वैसे इसके लिए। खेल दे, नहीं कुछ इजी नहीं है ब्रॉक भैया, कुछ इजी नहीं है, कुछ इजी नहीं है, मैं सुन लेता है क्या ये, क्या सुनता है, ले सर फोड़ दो उसका, लेट्स गो। फिर से भाई सर खुल जाना चाहिए इसका, खुल जाना चाहिए सर, और एक और बार, ओ रिवर्स ले भाई, तू सुप्लेक्स दे रहा था ना, मैंने दे दिया तेरे सुप्लेक्स, चलो और बता, चलो लेट्स गो। सुपरमैन पंच एक और, कितने दिए मेरे को भूल गया मैं, स्पीयर सुपरमैन पंच F5 तक एक भी निकाला नहीं, सुप्लेक्स सिटी, ओ भाई भाई ये रिवर्स किया ना, ब्रॉक लेसनर खत्म कर देगा मेरे को, भाई मैं क्यों इतना सच बोल जाता हूँ, मेरी किस्मत भाई एकदम सही हो जाती है मैं जो बोलता हूँ, अब नहीं छोड़ेगा। सुप्लेक्स सीढ़ी, सुन रहे हो भाई, कर दे ऐसे ही फिन, ओ भाई एक तो डबल टाइटल मैच है ना, ब्रॉक को भी गुस्सा है बे यार, करियर खत्म होने वाला ब्रो, बे क्या कर रहा है ये भाई, खत्म कर देगा बाहर, तो उठ जा रोमन काके, must be mindful of the referee's count, bringing it back into the ring. भाई 2K22 में रोमन रेंस की ये वाली एंट्रेंस अभी जो है, हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ वाली, मजा आ जाएगा भाई, बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है यार मुझे तो 2K22 के लिए। बस यार अब इतना खर्चा किया, 8 तारीख को दे दे भाई गेम यार, ऐसे चीटिंग ना करे, ये कॉन्सोल पे तो दिखा ही रहा है टाइमर, इस पे लिखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में कि 8 तारीख को मिल जाएगा जो लोग प्री ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मुझे उधर कुछ टाइमर आइमर नहीं दिखा रहा है यार, पता नहीं क्या स्कैम है उसमें, कमिंग 11 मार्च ही लिखा है टाइमर की जगह, देखते हैं, यही उम्मीद लगाते हैं स्टीम पे, आई थिंक ऐसा ही कुछ दिखाता होगा, मैंने आज तक प्री ऑर्डर तो आई थिंक नहीं किया है कोई गेम स्टीम पे, एटलीस्ट कॉन्सोल पे कर चुका हूं, PS4 पे तो पहले बहुत। चलो लेट्स गो, घूम घूम घूम, तेरा करियर पंच हो जाएगा, स्पीयर लेट्स गो, लेट्स गो डबल टाइटल कमिंग टुवर्ड्स रोमन रेंस, क्या दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन, इट्स अ स्पॉइलर, नहीं ठीक है, नहीं भाई इस बार तो ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना स्पॉइल कर सकते हैं, और गेम क्रैश हो गया भाई। डबल टाइटल उठाते हुए मेरे को वो देखना था कि रोमन रेंस कैसे उठाता है डबल टाइटल, इस गेम में कैसा दिखता है यार, सब डिफॉल्ट रखने भी गेम क्रैश हुआ, समझ गया ना मैं क्यों इतना अभी लास्ट में कम खेल रहा था, क्योंकि इनका जो लास्ट अपडेट आया उसके बाद सब क्रैश होने लग गई थी PC पे। तो चलो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वापस जाके मैं जीत के वो सेलिब्रेशन देखने जाऊँ, फिर से क्रैश हो जाए तो कोई फायदा नहीं, कोई नहीं देख पाएंगे 2K22 में पहले ये मैच कब खेले तुम बताओ यार, ठीक है चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर अपन कल स्ट्रीम में, आई नो तुम आ रहे हो, चलो ठीक है बाय।